हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूँ रंजन राज। उम्मीद करता हूँ आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, एक नई वैकेंसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि निकल के आ रही है DSSSB की तरफ से। कहाँ से निकल के आ रही भाई? DSSSB की तरफ से, यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट ढेर सारी हैं। जो वैकेंसी की कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं, ढेर सारी वैकेंसी कैटेगरी है, बहुत सी अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी पोस्ट के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोस्ट है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्त, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक पोस्ट है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। ये वाला देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। पोस्ट कोड है 58/24। पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पोस्ट कोड से ही पता चलेगा। तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट निकल के आ रही है और इसका पोस्ट कोड है 58/24। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी पोस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न वगैरह है वो क्या रहने वाला है, सारा कुछ हम लोग इस पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग जो है अपनी इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है इसकी तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखिए, ये है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन, थोड़ा सा मैं इसको जूम और कर देता हूँ। ये देखिए, ये है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन और इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली पोस्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, 50वें नंबर की पोस्ट है, 58/24, मोटर व्हीकल इंस्ट्रक्टर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहां पे देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 20 है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, कैटेगरी वाइज पोस्ट आप यहां पे देख सकते हो, अनरिजर्व की 8 है, OBC की 4 है, SC की 1 है, ST की 3 है और आपकी WS की 4 पोस्ट पे निकली है। अब आइए इसके बारे में आगे हम लोग इसकी जो क्वालिफिकेशन है सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर अप्लीकेबल रहने वाले हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। तो दोस्तों देखिए, हम इसकी क्वालिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है, ये है आपकी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लो, अनरिजर्व की 8 है, OBC की आपकी यहाँ पर 4 है, SC की 1 है, ST की 3 है, EWS की 4 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 20। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आगे की। ठीक है, आगे की बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आगे की हम लोग बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप देखो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखोगे एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब अनिवार्य, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यह है कि 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से 10th होना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या है आपका, दूसरा नंबर है भाई कि आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 3 ईयर्स कोर्स। डिप्लोमा कितने साल का, 3 साल वाला डिप्लोमा जो है होना चाहिए। अब या तो इसके अलावा आपके पास क्या हो, अगर आपके पास 10th है और आपके पास क्या है, डिप्लोमा है, तो ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है तो क्या हो, इसके अलावा अगर आपके पास क्या है, ए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। किसमें डिप्लोमा है भैया, ए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अवार्डेड बाय एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एंड, यानी कि अगर मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा है तो उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑथराइजेशन टू ड्राइव मोटरसाइकिल विथ गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि आपके पास 2 व्हीलर चलाने का लाइसेंस और LMB जो कि नॉर्मल आप बनवाते हो सभी के पास होता है। तो 10th या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड LMB मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो दोस्त, पे स्केल बहुत ही शानदार होने वाला है। पे स्केल आप यहाँ पे देखोगे 35,400 से 1,12,000, यानी कि लगभग वही आप मान सकते हो कि आपकी 4200 ग्रेड पे वाली ये जॉब आपकी होने वाली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वालिफिकेशन आप इसमें समझ गए होंगे कि कौन कौन भाई इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब आइए इससे रिलेटेड और थोड़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है। अगर हम लोग बात करें एज लिमिट की, तो भाई इसमें जो एज लिमिट है आपकी
नॉट एक्सीडेड 30 ईयर्स एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज द पैरा टेबल 7। यानी कि इसमें क्या है कि आपकी जो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी एज 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनरल के अलावा किसी कैटेगरी में हैं तो आप ओबीसी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पे ये पैरा में दिया होगा, तो ये सारी आपकी जानकारी अभी आप जानिए भाई, ये आपकी एज लिमिट होने वाली, ठीक है। अब आइए कुछ और इस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो देखिए 2 टीयर में आपका एग्जाम होने वाला है, 2 टीयर में आपके क्या होंगे भाई, एग्जाम होंगे, 2 टीयर का एग्जाम होगा। इसमें जो टीयर 1 है, सबसे पहले आप देखो टीयर 1 2 घंटे का होगा, इसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मार्क्स कितने रहेंगे 200 मार्क्स के। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे जनरल अवेयरनेस, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, इसके अलावा आपका मैथ, वही अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके बाद हिंदी आपसे पूछा जाएगा, और आपसे यहाँ पर इंग्लिश जो है पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कितने मार्क्स के होंगे, 20-20 मार्क्स, यानी कि 5 सेक्शन मैंने आपको बताए, सारे से आपसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। और इसी टीयर 1 में आपका क्या होगा, टीयर 1 में आपका होगा पार्ट 2, टीयर 1 में क्या होगा, पार्ट 2 होगा, और पार्ट 2 में आपसे सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा, यानी कि जैसे ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से रिलेटेड सवाल रहेंगे। और ये भी कितने के होंगे भाई, ये भी आपके होंगे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर होने वाले हैं। इसके बाद बात करें टीयर 2 भी आपका कितनी देर का होगा, 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के। इसमें क्या होगा, पार्ट 1 आपका एमसीक्यू रहेगा, और इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 75% वेटेज, यानी कि जो टीयर 2 होगा उसमें 75% यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के से पूछे जाएंगे। किससे भैया पूछे जाएंगे, तो आपका जो ट्रेड है, यानी कि जैसे आप ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उससे आपके पूछे जाएंगे। अब इसी टीयर 2 में पार्ट 2 भी होगा, और टीयर 2 में जो पार्ट 2 होगा इसमें क्या होगा भाई, टीयर 2 में जो आपका पार्ट 2 होगा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, फिर 1 सेकेंड रुकिएगा दोस्त, ये है। और देखिए टीयर 2 में जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में क्या आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स, यानी कि भाई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। तो दो एग्जाम होंगे आपके टीयर 1 और टीयर 2, और टीयर 1 में भी 2 सेक्शन होंगे, और टीयर 2 में भी आपके क्या होंगे भाई, 2 सेक्शन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसका जो प्रोसीजर है, एग्जाम पैटर्न है, या आप बोलो कि सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और बाकी की चीज़ों की बात कर लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कोई मतलब होता नहीं भाई, 40% चाहिए लेकिन उससे सिलेक्शन होगा नहीं, तो आप यही मानो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर लाने होंगे, ठीक है, ये आपका है। अब बात करते हैं जो आपका एग्जाम होगा वो कैसा होगा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है। कैसा होने वाला है भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अगर एक से अधिक शिफ्ट में आपका पेपर होता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, बाकी आपको फॉर्म वगैरह कैसे भरना है सारा कुछ इसमें आपका दिया हुआ है कि फॉर्म कैसे भरना, हालांकि सरकारी रिजल्ट वगैरह जो भी अदर वेबसाइट हैं उस पे आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें फ़ोटो वगैरह की केवी वगैरह आप देख लेना यार, ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ है, कैफे से जाके आप भरवा लेना। तो ये और कोई मुझे खास इसमें नहीं लगा, रूल रेगुलेशन वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह कैसे बनवाना है, या नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।